गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि आज शुभम का बर्थडे है, 17th ऑफ नवंबर। एंड सरप्राइजिंगली मेरे साथ आंटी है। हेलो आंटी। एंड बहुत ही रैंडम प्लान था ये हमारा। शुभम मुंबई किसी काम से गया हुआ है, अभी वो दिल्ली में है नहीं, तो हमने सोचा कि जाके थोड़ा सरप्राइज देते हैं। एंड हमारी फ्लाइट है 7 बजे की, तो हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, बिकॉज़ हमारे पास सामान नहीं है। मम्मी का तो बिल्कुल पता नहीं। हाँ, वो बिल्कुल वो पर आंटी ऐसा ना हो जाए कि हम ये सोच रहे हैं और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये भी हो सकता है, उसके रिएक्शन नहीं आते बिल्कुल। हाँ मतलब वो ये सोच सकता है, ये आंसर आ सकती है। आंटी का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, दैट्स द फन। एंड ठीक है, एक बार फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, देयर आई सी। सो लेट दिस व्लॉग गेट स्टार्टेड। You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. Auntie, you got me gentle. Auntie, you must have been nice. Got invincible fans, letting everyone know that you trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. Talking way too loud and you're talking rude. You're playing. It's Mumbai, you guys. Guys, हम पहुंच गए हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं और लिटरली टाइम पता ही नहीं चला कितने जल्दी पहुंच गए। अब बस वी आर जस्ट गोना बुक अ कैब नीचे जाके एंड आंटी बस वीडियो बना रही है। फिर चलते हैं होटल और सरप्राइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान। एक्चुअली बहुत सारी नहीं, एक दो चीज़ें हैं प्लान, मैं आपको वो बताऊंगी आराम से। अभी पहले कैब करते हैं एंड देन आई सी। बर्थडे के टाइम पे शूट रख देता है, तो या तो शूट की प्रिपरेशन चल रही होती है या तो शूट चल रहा होता है। लास्ट टाइम भी हम साइको सिंगल का शूट कर रहे थे, उसके पहले भी हम आई थी कोई तो वीडियो शूट कर रहे थे, हमेशा यही होता है। और प्लस अब बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो वैसे ही नहीं हो पाता, घर पे जा ही नहीं पाता। हाँ, तो इस बार आंटी आ गई। एंड बाय द वे, मैं बताया नहीं मैंने, हमें रात में वापस भी जाना है, क्योंकि आज के दिन देवर फ्री तो हम आ गए, बट कल से देवर अगेन भी बिजी और आंटी को भी काम है घर पे, मुझे भी है। सो हम रात सबसे ज्यादा शुभम को, इसीलिए हम रुक नहीं सकते। बट ठीक है आंटी, पूरा दिन भी मिल जाएगा, आई थिंक काफी है ना उतना भी। कुछ नहीं से बेहतर तो कुछ होता ही है। तो चलो फिलहाल पहुंचते हैं होटल और उसके बाद मिलते हैं, मिलाते हैं बर्थडे बॉय से। गाइस हमारे रिसीवर आ गए हैं। हाय रेश। तो अब हम जा रहे हैं वो रूम में जो हमने लिया है, और हमने उसको थोड़ा सा डेकोर करवाया है उसमें, वो मैं चल के दिखाती हूँ आपको। एंड देन वी विल गो एंड सरप्राइज शिवम। आंटा बैठो, हम आते हैं। तो गाइस अभी डेकोर पूरा नहीं हुआ है, दे आर स्टिल गोना टेक सम टाइम। तो अभी मैं जा रही हूँ मिलने के लिए एंड फिर मैं शुभम को लेके आऊँगी, मैं आंटी को मिलाऊंगी और रूम दिखाऊंगी। भाई को समझ में नहीं आ रहा नींद में कि ये सच है या झूठ है। वो सही है यार, सपना देख रहा था।
अकेले आई है? Of course. अच्छा. एक खतरनाक व्लॉग तो बन गया. I think so. भाई नींद से वो हो गया क्या? और लाइट्स नहीं जलते थे जब मैं बात करी थी, मुझे लगा ये कुछ बोना बना दे, जो बनाते हैं ना वो ऐसा कुछ, तो मुझे लगा बोना बना दे, बट वेरी नाइस. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. यहाँ भी जनता है. अंकल बोला ध्रुव राजेश एंड स्वागू. सरप्राइज कैसा लगा बता दो. इसका मेरे को जब ये आई ना, तो मेरे को थोड़ा एक दो मिनट बाद ना डाइजेस्ट हो गया कि चलो ठीक है, उसने तो ट्रैवल किया, ये तो इन्होंने आज तक ट्रैवल ही नहीं किया है कभी वैसे बाहर. माँ की ममता, माँ का प्यार. आंटी का सरप्राइज सबसे बड़ा निकला है. वो था ना एकदम, मेरा गार्ड एकदम ऐसे डाउन हो गया था यहाँ पे अंदर आकर, कब तक हो गया ठीक है ये सरप्राइज. आई गॉट अ रिएक्शन. सुबह तो मैं सोके उठा था ना, तो वो रिएक्शन निकालना भी बहुत मुश्किल था कि जस्ट आप सोके उठे हो. यहाँ तो मैं वैसा हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में था. स्वागू. अरे अरे कहाँ ले जा रहा है? ला भाई राजेश भाई, आज मैं ही उधर केक खाने के लिए बस. अरे मेरे रिएक्शन ऐसे बड़े नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा ऐसे हाँ, शांत, वो मैंने बता दिया, शांत तरह के इंसान है, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, हाँ, वो मैं और आंटी कैब में बात कर चुके हैं कि रिएक्शन नहीं निकलेगा, बट वी नो कि यू विल बी हैप्पी. कैसा लगा खाना? गाइस हम जा रहे हैं अपने दूसरे सरप्राइज की तरह, एंड बहुत जल्दी हो गया यार, हमने खाना खाया और इतनी जल्दी चेंज करके निकले ना कि कुछ बीच में कैप्चर करने का टाइम ही नहीं मिला. व्हाट डू यू थिंक हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, बस वो है कि अब प्रेशर बढ़ गया है कि रिएक्शन देना है. रिएक्शन नहीं देना, इसी लेवल का कुछ तुम्हारे बर्थडे पे भी करना है. हम तो बहुत सिंपल सा करने वाले लोगों में से हैं. अब इतना कर दिया किसी ने तो यार, अभी अभी किया क्या है? अभी तो कुछ किया नहीं है. कुछ गेस तो मतलब कुछ तो गेस करो क्या. देखो मैंने आंटी को थोड़ी सी हिंट दी थी, तो आंटी आप गेस मत करना, क्योंकि अगर आपने नहीं रही. हाँ, आप मैंने आंटी से थोड़ा सा पिक्चर बाकी है. एक तो मेन चीज है ना कि वी नॉट आल्सो फैमिलियर विद द सीन, बिकॉज़ ऑफ कोर्स हम मुंबई में नहीं रहते हैं, तो वी डोंट नो कि क्या सीन है, बट स्टिल कुछ 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 गेस इफ यू वांट टू मेक सम गेसेस. अगर कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया होगा तो क्रिकेट से रिलेटेड हो सकता है. ओके, क्रिकेट मतलब एक चीज है जो पसंद है बहुत ज्यादा मेरे को. ओके, बाकी तो कुछ फिल्म से रिलेटेड हो सकता है.
यही क्रिकेट और फिल्म ही है, दो ही चीजें हैं, इसके अलावा तो क्या ही है। पर थीम रेस्टोरेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको भी नहीं बताया है, तो हम चीजें जाते हैं, देखते हैं। अगर ऐसे कि कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग वेरी लिटिल। तो चलो अभी हम एक घंटे की जर्नी है हमारी, मेरे को थोड़ी चीजें सॉर्ट करनी है, मैं वो करती हूँ और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे लोकेशन पर। मैं करना ही नहीं चाहता। मैं चाहता ही नहीं करके खराब करूंगा। मैंने थोड़ा सा देवेश ने आधा कर लिया है। हाँ, देवेश ने आधा कर लिया। लेट्स गो। तो गाइस जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली। यू मेक इट कैमरास गाइस, यू टेल मी। मैं बहुत अच्छा यार एक्साइटेड हूँ काफी, और मेरे को बिल्कुल गेस करने का मन नहीं हो रहा। आ रहे हैं मेरे दिमाग में तीन चार चीजें, पर मैं आने नहीं दे रहा। तो ऐसा हाल है कि ठीक है, सरप्राइज सरप्राइज ही रहा। देवेश मैंने तो कर दिया। आपको तो डर लगता है पानी से। बस मेरे को सबसे बेस्ट चीज ये लग रही है, मतलब ये काफी दिन से बोल रही थी कि मुंबई जब जाएगा तो बताना, हम भी चलेंगे। और पापा नहीं आए, चलो ठीक है, वो पहले आए हुए हैं, उन्होंने देखा है। मेरे को सबसे बेस्ट चीज लग रही थी ये भी है। चलो ग्रेट। हम तो गोवा में मतलब गए हुए हैं काफी बारी, और मुंबई भी पहले। हाँ। इतना वो नहीं, एक्सक्लूसिव विजुअल नहीं है ये। चलो आप बताओ, पार्टी के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आंटी हुआ नहीं है ये पूरा। बाबा क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है। आराम से। ओ माय बहुत सही है। सो हाउ यू हैव टू कट इट, यू हैव टू पुल दिस अप एंड देन कट इट। ओके, कैंडल नहीं चल रही, सॉरी। आंटी गाना गा रहा है, ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shiva, happy birthday to you। Hello, my dear. How? हम सुबह उठते हैं, उठ के सीधा कुछ नहीं करते हैं, तैयार होके सेट पे निकलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नाश्ते का भी टाइम नहीं मिलता है। सेट पे जाके नाश्ता करते हैं, वहां पे जाके रेडी होते हैं, सीधा अपन वो शूट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रात में वापस आते हैं। तब तक हमारे पूरे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं जितने हमारे उसके हैं होटल के। एक रेस्टोरेंट खुला होता है बस, उसपे क्या मिलता है? पास्ता और एक बिरयानी बस, और मतलब ब्रेड और ये सब चीजें। पास्ता गलत ऑर्डर कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खराब पास्ता है वो वाला जो वहाँ मिलता है। तो वहाँ पे वो खाते हैं और बिल्कुल आंख बंद करते हैं तो सुबह आंख खुलती है, अगले दिन सेम स्केड्यूल। तो ये वाला स्केड्यूल चल रहा था, तो अभी ऑफ मिला था, तो आई थॉट कि चलो क्या बर्थडे, अपना आराम से सुबह उठेंगे 2-3 बजे, मतलब दोपहर में उठेंगे 2-3 बजे, और एक कोई वेब सीरीज देखेंगे आराम से बैठ के, रूम में चिल करेंगे, ज्यादा होगा तो आसपास किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर लेंगे। ये मैक्स था मेरे दिमाग में। भाई देखो आंटी कहाँ गई है पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। सही है भाई, मेरे को लगता है जिंदगी जीनी है तो ब्लॉगर ही होना पड़ेगा, तभी जिंदगी जी जा सकती है।
तो सारा मोटिवेशन कंटेंट बना देंगे। अच्छा तो कंटेंट के लिए आ जाएंगे, कंटेंट के लिए मजे कर लेंगे। हाँ काफी वो तो है, रिलैक्सिंग वाइब तो, हाँ रिलैक्सिंग वाइब तो है, काम पीसफुल। रात का व्लॉग तो पूरा ही नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज सो हेक्टिक, फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, आई एम शूटिंग ऑल ऑफ दिस व्लॉग फ्रॉम माय फोन, तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू हो गया। बट अपडेट ये है कि हम रात में वापस नहीं गए, हमारी रात की ही फ्लाइट थी, हमारी रात की ही टिकट थी, बट हम रात में वापस नहीं गए। शिवम डिडन्ट लेट अस गो, सो ही बुक्ड अनदर टिकट आज दिन की, तो हमारी दिन की फ्लाइट है। एंड अभी इसलिए है कि अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, पीछे आंटी और शिवम। और गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो आंटी, आज का क्या प्लान है, आज का प्लान आप बताओ। अरे सिद्धिविनायक मंदिर जाना है, जब कल रह गया था आंटी ने बोला अभी जब रुकेंगे एक दिन तो दर्शन करके जाएंगे। शिवम आर यू ज्वाइनिंग अस, आर यू ज्वाइनिंग अस, अभी तो हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, but are you joining us for the mandir thing? भगवान मन के अंदर होते हैं। मैंने थ्रोट तो ये बताया ही नहीं है कि why did you come to Mumbai? मैंने बस ये बोला है कि कुछ important काम से ये been to Mumbai, तो बता दो why why you here? एक बहुत important काम से। Guys Rubies का shoot, Rubies का फिर से नया season shoot हो रहा है, तो he's here for that. फिलहाल हम breakfast करते हैं next. To leave for Siddhivinayak. चलिए आंटी बैठिए, आ रही हूँ मैं। Happy birthday! Guys, तो निकल गए some tough goodbyes. मुंबई के ट्रैफिक, मैंने एक दिन में पूरी मुंबई घुमा दी है, ये बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ सही बात है, क्रेडिट गोज़ टू आंटी का, मैं सिर्फ अकेले आती तो यॉट जाके वापस ही आने का प्लान बनता और कुछ नहीं। देवेश सबसे बड़ा देवेश है, देवेश है। तो फिर मैं और शिवम मिलके देवेश को डोमिनेट कर देते ना, हाँ। नहीं यार कहाँ जाना है, क्यों जाना है, मेरे सामने कर नहीं पाए, चल नहीं पाए। चलो यार पहुँचते हैं, देखो कब कितनी देर में पहुँचते हैं, अभी तो 10:15 हो रहे हैं, हमारी फ्लाइट भी है, तो लेट्स सी कब पहुँचते हैं, कैसे निकलते हैं, बहुत हसल होने वाली है, तो लेट्स जस्ट कामली वेट एंड रीच। पहुंच गए हम अपनी शाद के लिए और हम जा रहे हैं मंदिर में, यार देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सफाई भी है, बट लेट्स सी जल्दी से चलते हैं फिर दर्शन करके मिलते हैं। मजा आ गया, मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, शायद आपको दिख गया होगा, तब तक लगा दूंगा, इसके बाद लगाऊंगी।
नहीं दर्शन मिले थे पर मैं वो अच्छे से नहीं हो पाया, पर आज बहुत खुले दर्शन में बहुत अच्छे से हुए। अब हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, ऑन टाइम है, बिल्कुल लेट नहीं हुए, जिसका मैं डर लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, बिल्कुल लेट नहीं हुए, बिल्कुल ऑन टाइम है सब कुछ। तो अब सीधे जल्दी से पहुंचते हैं, बाय। के साथ जर्नी पे हमारे टूरिस्ट गाइड गाइस हम पहुंच गए हैं वेटिंग एरिया में। कैसा था आज की पूरा ट्रिप एक दिन का? अब अच्छा लग गया ना कि हमने कल रात में मिस कर दी, ताकि आज सुबह अच्छे से दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ इट वॉज अ नाइस वन। अब बस जल्दी से घर जाएंगे, स्वैगी से मिलेंगे, शैतानी कर रहा है वो घर पे बहुत सारी। घरेले हाथ बनाए रहो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड डू विश शुभम इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई नो कि एक दिन बाद दो दिन बाद जाएगा ये ब्लॉग, बट स्टिल योर ब्लेसिंग योर विशेस मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी बर्थडे।